I hope you are able to see. Yeah, this is the main barricading. I have to enter from here. So I'm just walking in. I'll show you once I reach inside. नंदी में किधर भी घूमो ऐसे तरफ नंदी मिलता है। राइट देखा तो ये बोलो तो विशेष नंदी है। अच्छा त्रिकाला ज्ञाना नंदी। ओके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सुबह और दोपहर अक्षम। ओके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये ब्लैक स्टोन है कड़पा से लेके आया। और ये ब्रेक क्यों है टूटा? ये टूटा अंदर रह जाता है पहले। ये टूटा मूर्ति को हिंदू संप्रदाय प्रकार से पूजा नहीं होता बिना खंडित मूर्ति ऐसे लिए वो बाहर रखे। सर ऊपर देखो वो ट्रक हुआ ना। हाँ वो 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करता था ना। हाँ वो टाइम पे आयरन रखा के डाला देखो। हाँ। डर्मन इंग्लैंड बोल के नाम है। अच्छा सर ये फर्स्ट फ्लोर देखो पत्थर से बनाया है। फर्स्ट फ्लोर ऊपर है ना ये चूना एंड एग वो स्वीट वाटर रहता ना। हाँ स्वीट वाटर मिक्स करके डाला है। ऊपर लकड़ी भी रखा देखो। ओके इसका नाम है बिस्टपैया गोपुरम 164 फीट है। ओके इसको क्या विशेष बोलो तो एक ऊपर पर सारा इन्वर्टेड उल्टा दिखता है टेंपल में अंदर। अच्छा सर उसी तरफ मंडप दिख रहा है ना। वो 100 पिलर मंडप है सभा मंडप बोलता है। अच्छा और चर्चा वन हो किधर भी कोई राजा है तो बैठ के चर्चा करने का प्लेस है। ओके इसी तरफ मंडप है ना वो शिवा पार्वती का एंगेजमेंट हॉल। ओके ये विजयनगर क्षेत्र है ना एक ही राजा रूल नहीं किया सर। ओके चार डायनेस्टी लोग चन्मा साड़वा तुड़वा और अभी इसको पहले बनाया एंड एक्टर आया एंड बुकर आया। ओके एंड आफ्टर एंड पंपर आया बोल के गोपर निर्माण किया। अच्छा श्रीकृष्णदेवराय का तेलुगु लिपि से। अच्छा संसारण बोलता है इसको। Okay. और टेंपल जाने के लिए वो उसको कह कर पढ़ना पड़ता है। वो सभी इसमें लिखा है। ओके क्या लिखा हुआ है इसमें एग्जैक्टली? इसमें टेंपल को स्नान करके आना बोलते हैं। अच्छा तो पूजा कैसे करना है वो लिखा हुआ बोल के वो सभी इधर में बताया है। अच्छा फिर इधर इसका नाम है लक्ष्मी लेडी एलिफेंट है। ओके 35 ईयर्स ओल्ड एलिफेंट इसको कैसे ट्रेनिंग दिया बोलो तो 1 रुपये 2 रुपये पैसा दे वो आशीर्वाद नहीं करता। डिपेंड आप 10 रुपीज़ 20 रुपीज पे करो वो आशीर्वाद करता है। ओके वैसे ट्रेनिंग दे रही। अच्छा पहले तो बिस्टा पया सेकेंड वन रायरा थर्ड वन कनेगिरी सबसे। ओके कनेगिरी गोपुरम क्यों को कनेगिरी बोलता है बोलो तो वही रास्ते पे जाए तो हमको स्नेह हो जाएगा कनेगिरी दशक सिंह कनेगिरी। सर आगे वाला देखो आगे वाला स्तंभ है ना वो दीप स्तंभ है। अच्छा शिवरात्रि वगैरह टाइम में ऊपर जाके दीप लगाते हैं उसका आगे ना वो विशेष है। तुम्हारा मन में क्या भी अच्छा सुख के साथ जुड़े तो वो हो जाता है बोलता है। अच्छा उसका आगे ना बलिपीठ है। सर इधर अंदर आ जाए ये ध्वज स्तंभ है फ्लैग। ओके सर अभी देखो क्रॉप्स जैसे तुमको दिख रहा है ये सर इसमें देखो तो 3 एनिमल्स है। अभी देखो पिकॉक पिकॉक हाँ ऐसे देखो तो कुत्ता डॉग ऐसे देखो तो पिग। डिलीवरी टाइम में लेडी एलिफेंट को बॉय एलिफेंट हेल्पिंग करता ना सर वो दृश्य इधर देख सकते हैं। अच्छा हाँ 15th century में बॉय ने लेडी भी हंटिंग को जाता था उनके संख्या देने के लिए इधर स्टैचू बनवाया। अच्छा इधर नीचे देखो सर म्यूजिकल डांसिंग एंड ब्रेक डांस प्लेइंग जंबे सबका स्टैचू इधर है। डिफरेंट टाइप ऑफ डांस पहले ब्रेक डांस नहीं रहता था बोलता है पहले से ब्रेक नमस्कार है। अच्छा किधर ही टेम्पल को जाओ वो नमस्कार करके जाना पड़ता है ना। ये अकेला क्वीन है क्वींस है ये कपल्स। ओके okay.
सर तुमको आने वक्त में वन बॉडी थ्री हेडेड नंदी दिखा है ना, वो नंदी पहले इधर रहता था नंदी के इसमें। अच्छा, वो थोड़ा टूट गया ना, इसलिए जाके बाहर रख लिया। ओके, क्योंकि खंडित हो गया। हिंदू संप्रदाय में कैसे बिना मूर्ति को पूजा नहीं होता ना सर। हर हर महादेव। सर ये दिख रहा ना, इसका नाम है याली। ओके, इसमें फाइव एनिमल सर। ये देखो एलिफेंट का है, ये सिमकोमो का है, ये घोड़ो का है, ये पिकॉक। ओके, ये है ना, ये वाला वाइल्ड डॉग का है। ओके, इसका नाम है याली। याली, याली। ओके सर, यू रिच बेलूर वाले बेड़ो? इवन रिच बेलूर वाले बेड़ो नो, उधर जाए तो इनसाइड पिल्ला रहे। अच्छा, ऐसे रहते देखो, किस मूर्ति का ओनर हो अंदर आता है, इधर विजयनगर क्षेत्र में ऐसा पार आता देखो हम्पी। ओके, पिल्लर आउटसाइड, यहाँ पे इनसाइड है, उधर बेलूर वाले बीड में इनसाइड आता है, हम्पी में आउटसाइड आता है। ओके सर, यू रीच रीच लक्ष्मी नरसिंह स्वामी योग नरसिंह। आई हर्ड द नेम बट आई हैव नॉट बीन देयर। इवन रीच सेम लाइक नरसिंह। अच्छा, हाँ नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा, उधर जाए तो लक्ष्मी का विग्रह नहीं है, वो तोड़ दे या बहुमानी सुल्तान। अच्छा सर, इधर वो तो विरूपक्ष का थ्री नेम्स है, शिवा सबको मालूम है, अभी एक पंपापति बोलता है इसको, विरूपक्ष बोलता है, पंपापति विरूपक्ष मतलब पूरा हो जाता है। उस टाइम पर थ्री आइस रहता ना, वो आइस ओपन रहता है, वो क्लोज करने के लिए क्या सैंडल लकड़ी आता ना, वो पेस्ट करके लगाता था, वो पत्थर है ना, वो सैंडल करता ना। अच्छा, वो पत्थर है, उसको आगे दिख रहा है देखो, वो बॉल है, पंचामृत वगैरह देता ना टेम्पल को आने में देने के लिए वक्त है। ये बोला तो उद्भवती लिंग है, कोई भी आके नहीं बिठाया है, वो ही जल से ऊपर आया। सर मैं तुमको चाय डायनेस्टरी बोला ना, संगमा सालवा तुलवा अरे बेटो, उसका फैमिली ट्री है, उसका नाम सर। सर ये देखो तो विजयनगर एम्बुलम है, राजा मुद्रा, सूर्य चंद्र एंड खटगम, वर खटगम पिक पिक बोला तो व्हाइट बोर्ड हो जाता है, सूरज और चंद्र नहीं, सूर्य चंद्र देव आता ना वो टाइम पे विजयनगर क्षेत्र अच्छा से रहने बोल के दोनों लगा दिया। तलवार किसको ताला बोलते, किस चीज़ों को जाता ना, वो टाइम पे तलवार नहीं रहे तो नहीं चलता है, इसीलिए तलवार। ये पिक वाइल्ड बोर्ड किसको ताला बोला तो विष्णु का अवतार है, और एक बोला तो बहुमनी सुत्ते नहीं अंदर आता था, वो टाइम पे पिक क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये टेम्पल बच्चा है ये बोलता है। ओके, इधर बोलो तो दो मूर्ति है, आगे वाला शिव है, पीछे वाला विष्णु है। ये तो कुलगंज माधव है, काशी से आप लोग इधर दर्शन करते हैं ना, काशी से बहुत पुण्य मिलता है। हाँ। इधर काशी से एक उत्तर काशी से दक्षिण काशी एक ग्राम ज्यादा है, इसलिए भगवान को कुलगंज माधव इसने बोला ना, एक ग्राम ज्यादा है भगवान को कुलगंज माधव से पुकारते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। और एक ही तरफ में आप शिव जी का और विष्णु जी का दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, आगे जाओ होटल के देखो, इसका नाम है मनमता कोंडा। अच्छा, मनमता मीन्स बॉय हो जाएगा, शिवरात्रि पाल पूजा वो टाइम पे कैरेक्टर बोटिंग रहता है, शिव पार्वती मूर्ति लेकर के इसमें बोटिंग करता है। अच्छा, फाइव राउंड्स वो टाइम पे पानी पे पैर छोड़ना पड़ता है, स्विमिंग करने के लिए छोड़ता है, नॉर्मल टाइम पे नहीं। ये डोर था नहीं? हाँ डोर से सर, इससे और लॉकिंग सिस्टम रहते हैं सर। इधर देखो लॉकिंग सिस्टम। ओके, ये एक ही पत्थर में बनवाए हैं। ये ब्लैक स्टोन है ना? ब्लैक स्टोन। ये क्या यहाँ नहीं मिलता था क्या कर्नाटक में? कर्नाटक में नहीं मिलता है, कड़पा से लेके आना पड़ता है। कड़पा कहाँ पे? आंध्र आंध्र प्रदेश। ओके,
बोलो तो कड़प से श्री कृष्ण देवराय रूल करता था ना, वो टाइम पे आंध्र से लेके आए। और तुमको आगे वाला मंडप दिख रहा है ना, वो लक्ष्मी का मंडप रहता था। इसके ऊपर देखो हरे कन्नड़ा आता ना कन्नड़ा में, उसमें लिखा है। इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है सर। सर इधर देखो, ये पाइप कलेक्शन है। अच्छा, पत्थर का अभी यूज करता है फाइबर और मेटल यूज करता है। पहले देखो पत्थर का यूज करता था। इससे इसमें पानी आता था, इससे पानी आता था। अभी तो इसमें नहीं आता, बारिश आता ना इसलिए पानी आता है। और दोस्तों क्या हाल चाल, हमने मैं भी विरूपाक्ष भैया के साथ हूँ और ये मेरे गाइड हैं। हेलो बोल दो भैया। हाय भैया। तो इन्होंने मुझे अभी विरूपाक्ष टेंपल दिखा दिया है और स्टेप पुष्करणी दिखा दिया और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा हिस्ट्री, वहाँ पे विजयनगर किंगडम का क्या हिस्ट्री था, कैसे अटैक हुआ, अभी रूइंस जो बचे हैं उसमें क्या है। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टोन चैरियट देखना। आपने 50 रुपीज़ के नोट पर उसका फ़ोटो देखा होगा। तो पार्किंग के बाद यहाँ से 1 किलोमीटर का वॉक है, या फिर आप ये बैटरी व्हीकल आपने देखा ही आप ये ले सकते हो। जिक्र है ना, इसका नाम है गजला मंडप। गजला मीन्स डांसिंग होता ना वगैरह करने के लिए प्लेस है। अच्छा, उधर अंदर कृष्णा का मूर्ति रहता ना, पहले कृष्णा का मूर्ति रहता था, वो मूर्ति इधर लेके आके उत्सव करता था। वो टाइम पे नीचे वाला स्टेप्स है ना, उधर डांसिंग वगैरह करता था। ओके, ऐसे ऐसे लिए गजल मंडप बोलते हैं। गजल मंडप। ये फॉरेस्ट एरिया है क्या? पूरा फुल फॉरेस्ट एरिया है। इसमें एनिमल लोग रहता है? रहते हैं सर। लास्ट ईयर एक चीता आ गया, एक लोग को काट डाला है, मर गया। अंजना वो माउंटेन है वहाँ पर आया था लेपर्ड अटैक। लेपर्ड यहाँ भी हुआ है क्या? इधर ही हुआ था सर, वो मेरा फ्रेंड है। अच्छा, वो जिस पे अटैक हुआ? उस पे अटैक हुआ नहीं, वो मर गया ना। अरे फ्रेंड है वो, सनापुर वाला है। अच्छा, वो बकरी चला रहा था, बकरी को छूट के गए, वो आके सिर तक आ गए। तो अभी वहाँ पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे जाना अलाउड नहीं है ना? अभी नहीं है सर, अभी नहीं छोड़ते ना सर। वहाँ पे बोलते हैं कि अंजना टेंपल पे ये हनुमान जी पैदा हुआ, प्लेस है, बर्थ प्लेस है। वही रामायण बुक में भी वही डाला है सर। और ये स्टोन चैरियट का एंट्रेंस है ना? एंट्रेंस है सर। इधर आए तो श्री कृष्ण देवराय तो दो वाइफ्स है। ओके, एक नेम है चिन्ना देवी, एक नेम है तिरुमला देवी। सर ऊपर देखो, नीचे वाला चिन्ना देवी, ऊपर वाला तिरुमला देवी। ओके, उसका स्टैचू बना दिया। सर ये टेम्पल है ना, पूरा हिंदू संप्रदाय प्रकार से निर्माण किया है। इसी तरफ देखो भजना मंडप है। अच्छा, तो इसी तरफ देखो, ये बोले तो शादी मंडप है, तो शादी वगैरह होता ना। उधर देख रहे हैं ना साल मंडप वगैरह, योगा मेडिटेशन जो टेम्पल को आता ना वो टाइम पे करने के लिए बनवाया। आगे वाला देखो, वो तुलसी पीठ है, उसका आगे ना वो बोले तो ध्वज मध्य स्तंभ है, उसका आगे जाए तो बलिपीठ है, उसका आगे ध्वज स्तंभ है, उसका आगे जाए तो स्टोन चैरेट एक ही पत्थर में बना हुआ है। एक ही पत्थर से सारा चीज़ बना है? एक वो एक ही पत्थर से, डिफरेंट पत्थर से बना हुआ है, मतलब एक एक पत्थर में बना, एक एक पत्थर में बना हुआ है। Thank you.
सर अभी देखो तो एक काली पत्थर जैसे जैसे दिखता है तुमको, अभी देखो तो विरूपाक्ष टेम्पल में गोल्ड मूर्ति देखा ना, खुद बहुत ही लिंगा है। अभी देखो दूर लायन झगड़ा कर रहा है। अच्छा हाँ। अभी देखो लक्ष्मी नरसिम्हा है, ये ऊपर का स्नेक्स है, ये नरसिम्हा का स्टैचू है। ये एक ही पत्र में थ्री इमेज जैक्शन मिलता है तुमको, देखा तो कवर कर करके देख सकते, कवर कर देख सकते। शिव का सनराइज है वो टाइम पे वो सिर निकल जाता है गणेश जी का, उसका पहले रखता है भूल का रखता है, भूल का सिर रखता है, वो सेट नहीं होता, उसका बाद एलिफेंट रखता है। वो कैसे बोला तो दो बॉडी वन डे, हाँ देखो वन एडेड, ऐसे देखे तो बुल दिखता है, ऐसे देखे तो एलिफेंट। ओके कोई भी विजयनगर क्षेत्र है ना, किसको भी देना बोला तो उसका पास टेक्निक्स देख सकता, एक पत्थर दिए तो उसका पास टैलेंटेड देखता था, टैलेंट देखने का बाद देता था। इधर देखो एक एलिफेंट ट्री को उतर के कर है। अभी देखो तो ये ले गणेशा, गणेशा स्मॉल वन, इसको डिफरेंट एंगल्स है सर, यू नो दैट बैंगल सिस्टम, नहीं मतलब लेडी का बैंगल आता है ना वो सिस्टम पे ये बनवाया। देखो इधर ऊपर पानी गिरा तो ये वॉल से है, ये वॉल पे आके इधर दीप को आता है लास्ट में। सर अभी ये पत्थर देखो, देखो तो काली पत्थर ही दिखता है सर, इस साइड को। अभी देखो अंजनाद्री लंका को ऊपर से फ्लाई करता ना, वो दृश्य देख सकते हैं, हनुमान जी फ्लाई करता, फ्लाई बैक करता। अभी देखो तो शिव का आदिशेष है ऊपर, नीचे शिवलिंग है। अभी देखो बंदर चढ़ रहा है ट्री को, अभी देखो एक बड़ा बंदर उसका बेबी का रिक्वेस्ट कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है इस साइड को, ऐसी साइड। अभी देखो एक बड़ा गोरिल्ला छोटा गोरिल्ला को उठा रहा है। अभी देखो तो फ्रॉग ऐसा जो, अभी एक केस स्टाफ, ओके स्नेक, हाँ राइट, ये वाला एक ही पत्थर में डिफरेंट एंगल्स है इसमें, एक लोग 10 दिखाता है, एक लोग 20 दिखाता है, एक लोग 5 दिखाता है, उसका कितना मॉल्यूम है उतना मॉन्यूमेंट की जाएगा एक ही पत्थर में। ये इस किंगडम का स्पेशलिटी था, किंगडम का स्पेशलिटी, ये चार डायनेस्टी बोलो ना, एक एक राजा आने के वक्त में एक एक करके खाया है। अच्छा किसका भी इंजीनियर का पास देना वो है तो उसका टैलेंट देखता था, वो थोड़ा एक पत्थर देता था उसका टैलेंट देखता था, वो एक ही पत्थर में डिफरेंट बना उसका देता था, नहीं होता वो नए इंजीनियर बोल के निकल जाता था। सर ऊपर देखो अंजनाद्री संजीवनी पर्वत उठा के जा रहा है हनुमान जी। इधर देखो राम अंजनाद्री को रिंग दे रहा है। अच्छा लंके को जाता ना, सीता देव को उठा के रावणासुर लेके जाता ना, वो टाइम पे हनुमान जाके वो रिंग देता ना, वो दृश्य इधर देख सकते हैं। अंजनाद्री ट्री पे उत्तर ऊपर चढ़ा है, उसका पास रिंग है, वो दे दिया सीता माता को, मिला है देखो इधर लंके में। ओके उधर दोनों को मिलता है ना, वो टाइम पे इधर देख सकते हैं, इस साइड को सीता माता है, इस साइड को राम जी है, और ये ये लक्ष्मण है। ओके ये ट्री है ना 150 ईयर ओल्ड ट्री है सर, ये ओ